आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फिर सामने आए आजम खान के गंदे और घटिया बोल, जयप्रदा पर बेहुदा बयान देकर मुश्किल में फंसे आजम खान। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की फिल्म को लेकर चुनाव आयोग से कहा, बंद कमरे में फिल्म देखें और फैसला लें। उमा भारती ने कहा, दिग्विजय सिंह पिटा हुआ मोहरा, उन्हें आलोक संजरी चुनाव हरा देंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी से मुख्यमंत्री कमलनाथ नाराज, जमकर लगाई झाड़। और खुजराव से बीडी शर्मा को टिकट पर बीजेपी में रार, कहीं पटाखे चले तो कहीं पुतले जले। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विवादित बयान के कारण समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से प्रत्याशी आजम खान मुश्किल में फंस गए हैं। आजम खान ने भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ एक बेहुदी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। इधर जयप्रदा ने मांग की है कि आजम खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। आजम खान की चर्चा हमेशा उनके घटिया बयानों के लिए होती है और जयप्रदा से तो उनकी दुश्मनी पुरानी है। दोनों एक ही पार्टी में रहे, एक ही क्षेत्र से विधायक और सांसद रहे, लेकिन दोनों के रिश्तों में हमेशा खटास रही। एक चुनावी रैली में आजम ने बगैर नाम लिए कहा था कि बाकी लोग उन्हें 17 सालों से नहीं पहचान पाए, लेकिन वे 7 दिन में ही पहचान गए थे। इसके साथ ही उन्होंने आमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। आजम की इन बातों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट पर लिखा, मुलायम भाई, आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के, आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिए। वहीं पूर्व सपा महासचिव अमर सिंह ने आजम खान को राक्षस कहा है। जयप्रदा ने भी आजम को माकूल जवाब दिया है और कहा है वो आजम को हरा कर इसका बदला लेंगी। जयप्रदा ने कहा कि आजम खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि वे जीत गए तो लोकतंत्र का क्या होगा। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये, अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है। इस बीच आजम का एक अन्य वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक सरकारी अधिकारी को डांटते नजर आ रहे हैं। आजम कह रहे हैं कि वे उस अधिकारी से मायावती के जूते साफ करवाएंगे। ऐसे में मांग उठ रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। विवाद ने तूल पकड़ा तो आजम खान सफाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, यदि कोई साबित कर दे कि मैंने किसी का नाम लिया है और उसकी इंसल्ट की है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के मुताबिक आजम की सभा का वीडियो देखा जा रहा है और टीम से रिपोर्ट मांगी गई है। आजम खान बहुत अच्छे राजनेता नहीं माने जाते हैं, लेकिन अक्सर वो अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में रहते हैं और इस बार की टिप्पणी उनको महंगी साबित हो सकती है। विवेक ओबेरॉय स्टारर प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक PM नरेंद्र मोदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि वो बंद कमरे में फिल्म देखें और फिर अपना फैसला लें। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को 22 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगाए जाने के खिलाफ फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आयोग ने इस फिल्म पर कुछ दिनों पहले ही रोक लगा दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले को चुनाव आयोग के पाले में डाला था। इतना ही नहीं, आयोग ने नमो टीवी पर भी रोक लगा दी थी। आयोग के अधिकारी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नमो टीवी पर भी लागू होता है, जिसे चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित भी नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि वो बंद कमरे में फिल्म देखें और फिर अपना फैसला लें। अब बात मध्य प्रदेश की राजनीति की। बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल से चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह पिटे हुए मोहरे हैं, उनको हराने के लिए आलोक संजर ही पर्याप्त हैं। बीजेपी के भीतर फायर ब्रांड नेता उमा भारती को भोपाल से चुनाव लड़वाए जाने की चर्चा है, लेकिन उमा भारती चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने कई सारे ट्वीट कर भोपाल के लिए बीजेपी को कई नाम सुझाए। उमा ने दिग्विजय को एक पिटा हुआ मोहरा बताया और कहा दिग्विजय सिंह को तो आलोक संजर ही चुनाव हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा अगर भाजपा उम्मीदवार का नाम बड़ा होगा तो दिग्विजय सिंह बड़े नेता हो जाएंगे, इसीलिए भोपाल से बीजेपी को साधारण कार्यकर्ता को खड़ा कर देना चाहिए। आज भी मानती हूँ कि ये जो 10-15 दिन तक पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इससे दिग्विजय सिंह जी को ये लगने लगा है कि जैसे मान लो उन्हें कोई हराने से हमें डर लग रहा है। आप यकीन मानिए, मैं आज आपके माध्यम से ही अपील करूंगी कि आप आलोक संजर कोई उम्मीदवार घोषित कर दे बीजेपी, तो दिग्विजय सिंह जी को हार जाना है। आप लोगों को मैं याद दिलाती हूँ, आप लोग भूल रहे हो, कैलाश नाथ काटजू सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और हमारे डॉक्टर पांडे ने उनको विधानसभा का चुनाव हरा दिया था। सुमित्रा महाजन ने पीसी सेठी को चुनाव हराया है, पहला लोकसभा का चुनाव प्रकाश चंद्र सेठी हारे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और ताई उस समय पर एक सामान्य गृहिणी थी और एक अच्छी वकील थी और फिर भी उन्होंने पीसी सेठी को हरा लिया था। सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह को हरा लिया था, सरताज सिंह ने दोबारा अर्जुन सिंह को हरा दिया था। ये तो 15 साल पहले के पिटे हुए मोहरे हैं दिग्विजय सिंह जी, इनको तो आलोक संजर ही हरा देगा। मैं खुलेआम पार्टी से अपील करती हूँ, जल्दी घोषित करिए उम्मीदवार, यहाँ उल्टा होने वाला है। अगर उम्मीदवार का नाम बड़ा होगा तो दिग्विजय सिंह बड़े नेता हो जाएंगे, इसलिए मैं तो निवेदन करूंगी कि साधारण कार्यकर्ता को खड़ा कर दीजिए। उमा भारती 2003 में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री रहते धूल चटा चुकी हैं। उमा भारती के कारण ही दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हुए थे। उमा भारती ने अपनी मंशा से आरएसएस और बीजेपी को अवगत करवा दिया है। उमा का साफ कहना है कि दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके लिए बीजेपी को खास मशक्कत करना पड़े। बीजेपी और संघ की मंशा है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से किसी दमदार उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, हालांकि उमा भारती इसके पक्ष में नजर नहीं आई। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का, खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम, हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस हैं, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ
कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को बाइक देते समय मंत्री जीतू पटवारी का बीच बीच में आना नागवार गुजरा और उन्होंने सरेआम जीतू पटवारी को फटकार लगा दी। जीतू पटवारी अक्सर मीडिया को देखकर इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे दूसरा नेता झुंझला जाता है। कमलनाथ के साथ भी जब ऐसा हुआ तो उन्होंने पटवारी को उनकी हदें बता दी। महू में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह खेमे के मंत्री जीतू पटवारी को सरेआम फटकार लगाते दिख रहे हैं। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी को अंबेडकर जयंती की बधाई दे रहे थे, तभी मंत्री जीतू पटवारी मीडिया कर्मियों के माइक पकड़कर कुछ बोलने लगते हैं। जीतू पटवारी की हरकत से कमलनाथ बुरी तरह झुंझला गए। इसके बाद कमलनाथ नाराज होकर उनसे कहते हैं, तुम ही बोल लो, मैं यहां से चला जाता हूं। इसके बाद मंत्री उन्हें रोककर मनाते हुए नजर आते हैं। फिर कमलनाथ रुककर मीडिया से बात करते हैं। चंद सेकंड में इस वीडियो में सीएम का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्र बताते हैं, जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली से भी मुख्यमंत्री खुश नहीं है। अब बात बीजेपी की। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के महामंत्री वीडी शर्मा को टिकट दिए जाने के बाद छतरपुर बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे चलाए और मिठाइयां बांटी। खजुराहो लोकसभा सीट से बीडी शर्मा को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश देखने को मिला। खजुराहो बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर खजुराहो लोकसभा सीट में आने वाले विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। बीडी शर्मा के प्रत्याशी घोषित तो होने से विधायकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। विधायक ने कहा कि बीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने शर्मा को लोकसभा चुनाव जीताने की बात कही। अरे बाहर के कहां से है, अपने यहीं से है। भाजपा एक परिवार है, अपने एमपी से ही है। परिवार में कहीं से भी अपना प्रत्याशी आ सकता है। अपने बीच के हैं, अपने प्रदेश के महामंत्री हैं। अरे नहीं नहीं, मोदी जी के नाम पर वोटों की बौछार लगेगी। जनता के लिए मोदी जी ने बहुत से काम किए हैं। आज हमारे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा हुई है, जिसमें श्रीमान बीडी शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। और जहां तक बात है, मेरी चल्ला विधानसभा पूरी खजुराहो में आती है। हम चल्ला विधानसभा से उन्हें कम से कम 20 से 25,000 मतों से जिताकर देंगे पूरी विधानसभा को। आपने अब तक जो देखा एक खबर का एक रुख है, अब करते हैं दूसरे रुख की बात। खजुराहो में एक तरफ बीजेपी से वीडी शर्मा को टिकट दिए जाने पर खुशी जाहिर की गई, तो बीजेपी के तमाम लोग उनके विरोध में भी खड़े हो गए हैं। कुछ लोगों ने इससे नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी है, तो कहीं वीडी शर्मा के पुतले जलाए जा रहे हैं। छतरपुर में खजुराहो लोकसभा सीट से बीडी शर्मा की टिकट फाइनल होने के बाद अब उनका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। गौरीहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक विजय बहादुर बुंदेला समर्थकों ने बीडी शर्मा का पुतला जलाया। खजुराहो इलाके में बीजेपी के लोगों ही बीडी शर्मा होश में आओ, खजुराहो से वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध भी जता रहे हैं। विरोध करने वाले लोग पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय किसी भी प्रत्याशी को टिकट दे देते, बाहरी प्रत्याशी लोकसभा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा। अब ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब बात कांग्रेस की। अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, पुलवामा हमले को प्लान करके सैनिकों को मरवाया गया, जनता मोदी से हिसाब बराबर करेगी। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने सीहोर में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कुरैशी ने कहा कि पुलवामा हमला प्लान करके करवाया गया है ताकि मोदी सरकार में वापसी का मौका मिले। जनता सब समझती है, मोदी अगर 42 शहीदों को मारकर 42 लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं की राख से अपने माथे पर राज तिलक कर लें, जनता ऐसा नहीं करने देगी। और लेकिन जनता समझती है, अगर मोदी जी चाहें
कि बैरीज शहीदों को मारकर, बैरीज लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं के रक्त से अपना राज तिलक करने चिंता नहीं करने देंगे उनको। वो चाहेंगे बैरीज लोगों के खून से अपने माथे में तिलक लगाने, लोग नहीं करने देंगे उनको। बैरीज बहनें बाकी रह गई, राखी नहीं बन पाएंगी। बैरीज मांगी उजड़ गई तो सिंदूर नहीं लगा पाएंगी। बैरीज बच्चे अजीब हो गए तो बकरी बाप नहीं कह पाएंगे। बैरीज बाप और माँ की गोजा खाली हो गई तो इनको बेटा नहीं मिल पाएगा। इनका पाप पड़ेगा मोदी जी पर, सरकार पर। ये और कितने ही धर्म की दवाई देंगे, जनता मानेंगे नहीं, इनको उठा के फेंक देंगे। ये वही अजीज कुरैशी साहब हैं, जब इनको राज्यपाल बनाया गया था तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष कहेंगी तो मैं उनकी चप्पलें उठाने के लिए भी तैयार हूँ। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी दावों को छोड़ दें तो गांवों के बुरे हाल हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर के गांव भी विकास से अछूते हैं। ऐसा ही एक गांव है जहां विकास अब तक नहीं हुआ है। यहां के लोगों ने ऐलान किया है कि उनके गांव में चूंकि विकास नहीं किया गया है इसलिए वो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जशपुर जिले के कांसाबेल विकास खंड के ग्राम दारूपीसा में रहने वाले आदिवासी लोगों ने गांव तक विकास नहीं पहुंचने के कारण चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। गांव के बूढ़े बच्चे बैनर पोस्टर के माध्यम से चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। यहां सड़क की कमी की वजह से ग्रामीणों की जान चली जाती है और एम्बुलेंस अथवा संजीवनी 108 जैसे सुविधा गाँव तक नहीं पहुँच पाती है। मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं और मौत के मुँह में समा जाते हैं। गाँव वालों का कहना है कि गाँव में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांव की महिलाओं का कहना है देश में महिलाओं के लिए सरकार की योजना बहुत है पर हमारे गांव में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने कहा है कि भोपाल में 30 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से दिग्विजय सिंह को जितवाने के काम में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे कमलनाथ सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा भोपाल लोकसभा सीट पर माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और प्रत्याशी दिग्विजय सिंह घर घर पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भोपाल में कांग्रेस की 30 साल बाद ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए वर्तमान में भोपाल लोकसभा क्षेत्र में जो माहौल मुझे दिख रहा है पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में है। हम देखें चुनाव को सिर्फ अब 28 दिन बाकी है लेकिन अभी तक भाजपा ने उनका प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया है। उसी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता घर घर घूम रहा है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 12 तारीख को जब मतदान होंगे और उसके बाद जब 23 मई को नतीजे सामने आएंगे तो ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी को 30 साल बाद विजय मिलेगी भोपाल से। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हर हाल में लोकसभा चुनाव जिताने के लिए जयवर्धन सिंह ने कमर कस ली है। वे रोज भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पिता के लिए वोट बटोरने लोगों से मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी टिकट की घोषणा के बाद से ही मंदिर मंदिर मत्था टेकते नजर आ रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने यहाँ तक घोषणा कर डाली कि अगर वे जीते तो कांग्रेस कार्यालय के लिए आवंटित विधवा दस्तपत जमीन पर राम मंदिर बनेगा। तो जाहिर है कि लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि अचानक दिग्विजय को राम कैसे याद आ गए। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से पूरी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है।
भोपाल लोकसभा सीट पर अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए कैंपेन में जुटे उनके पुत्र प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह सीहोर पहुंचे और विभिन्न समाजों के कार्यक्रम में भाग लेकर अपने पिता के लिए वोट मांगे। मौके पर मौजूद मीडिया से चर्चा की और बताया, जब से उनके पिता दिग्विजय सिंह को भोपाल सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है तभी से उत्साह का माहौल है। उन्होंने ई टेंडरिंग घोटाले पर कहा कि यह बात बड़ा मुद्दा है जिसमें 80,000 करोड़ का घोटाला है। वहीं अपने पिता दिग्विजय सिंह द्वारा राम मंदिर के लिए जमीन दिए जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे परिवार में 300 वर्षों से 3 मंदिरों में पूजा की जा रही है। जब पिता को मंदिर को लेकर जमीन की समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने जमीन दिए जाने की पहल की। उन्होंने भोपाल सीट पर बीजेपी के प्रबंधन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि महज 28 दिन शेष बचे हैं, अभी तक प्रत्याशी की घोषणा तक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरा प्रयास किया है हमारे परिवार के खिलाफ बात करने का, लेकिन एक बात स्पष्ट है और इस लोग ये बात सब लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के परिवार हमारे घर में लगभग 9 मंदिर हैं, 300 साल से पूजा करके आ रहे हैं और कल रामनवमी के शुभ अवसर पर जब दिग्विजय सिंह जी वहाँ पर गए थे ऑफिस में, उनको बताया गया यहाँ पर एक जमीन है जहाँ पर मंदिर का कुछ मांग चल रही थी, तो उन्होंने तुरंत ये घोषणा की कि चाहे जमीन कांग्रेस ऑफिस की हो लेकिन वहाँ पर हम राम मंदिर बनाएंगे। ये तो थी दिग्विजय सिंह की बात। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का, किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप खबर भोपाल से, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर बी के कुठियाला सहित 20 लोगों के खिलाफ 420 की FIR दर्ज की गई है। पूर्व कुलपति पर मध्य प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयोजनों पर विश्वविद्यालय की राशि खर्च करने का आरोप है। आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ब्रजकिशोर कुठियाला सहित 20 प्रोफेसर व कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पूर्व कुलपति कुठियाला पर मध्य प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संस्थानों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयोजनों में विश्वविद्यालय की राशि में दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। करीब 21 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का दुरुपयोग FIR में बताया गया है। आरोपियों में पूर्व मंत्री विश्वास सारंग की बहन आरती सारंग का नाम भी है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 से लेकर 2018 के बीच हुई गड़बड़ियों को लेकर EOW ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार दीपेंद्र सिंह बघेल के आवेदन और दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर रविवार को FIR दर्ज की है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री दीपेंद्र सिंह बघेल के द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक जांच रिपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा बनाई गई थी, उस जांच रिपोर्ट के साथ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 2003 से 2018 तक में नियुक्तियों में हुई कुछ अवैध लाभ के संबंध में कार्रवाइयाँ, अनियमितता एवं अवैधानिक व्यय की जो जाँच की गई है वो सिद्ध पाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो जांच की गई उस पर प्रथम दृष्टया
कुलपति श्री तत्कालीन कुलपति श्री ब्रजकिशोर कुठियाला एवं 19 अन्य जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हैं उनके विरुद्ध धारा 409, 420, 120B और पीसी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट धारा 7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। एफआईआर में कहा गया है कि वर्ष 2010 से 2018 के बीच कुलपति रहे ब्रजकिशोर कुठियाला द्वारा विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध नियुक्तियां भी की गई हैं। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुठियाला के खिलाफ विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नियत से अनावश्यक शिक्षण केंद्र खोलने का आरोप भी है। साथ ही 2010 से 2018 के बीच कुठियाला के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को यूजीसी के मानकों व नियमों के विरुद्ध बताया गया है। एफआईआर में कुठियाला के अलावा डॉक्टर अनुराग सीठा, डॉक्टर पी शशिकला, डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, डॉक्टर अरुण कुमार भगत, प्रोफेसर संजय द्विवेदी, डॉक्टर मोनिका वर्मा, डॉक्टर कंचन भाटिया, डॉक्टर मनोज कुमार पचौरी, डॉक्टर आरती सारंग, डॉक्टर रंजन सिंह, सुरेंद्र पाल, सौरभ मालवीय, सूर्य प्रकाश, प्रदीप कुमार डहेरिया, सत्येंद्र कुमार डहेरिया, गजेंद्र सिंह अफशिया, डॉक्टर कपिल राज चंदोरिया और रजनी नागपाल के नाम शामिल हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ इससे एक नई परिपाटी बन रही है और जब जब सरकारें बदलेंगी उसके बाद कुलपतियों के काले चिट्ठे इसी तरीके से उजागर किए जाएंगे। तो अब जो भी कुलपति हैं वो सावधान रहें क्योंकि इस समय सरकार जिन जिन लोगों को कुलपति बना रही है कई लोग उसके योग्य ही नहीं हैं। अब बात कंप्यूटर बाबा की। कंप्यूटर बाबा इन दिनों फिर एक बार बीजेपी और मोदी सरकार से खफा हैं। कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने प्रभु राम और संत समाज से गद्दारी की है। पहले चरण के मतदान होने के बाद पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कंप्यूटर बाबा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने प्रभु राम और संतों के साथ धोखा किया है। बाबा का कहना है कि संत समाज मोदी को चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार है। बाबा ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने भक्तों को छलने का कार्य किया है। टिकट के मामले में तो राम जी का यदि आपने नाम लिया है तो निश्चित ही राम के प्रति आस्था रखने वाला, राम के गद्दार नहीं, जो राम के गद्दार हैं, राम का नाम लेते हैं, राम का मंदिर का नाम लेते हैं, वो कभी मोदी जी, माननीय मोदी जी जो है राम के गद्दार हैं, राम के प्रति आस्था ही रखते हैं, केवल सत्ता हत्याना चाहते हैं और सत्ता हत्या करके ढंग से गंगा साफ करने की बात करी, राम मंदिर की बात करी, इन्होंने काला धन लाने की बात करी, पाकिस्तान का इलाज की बात करी, इन्होंने 15 लाख रुपए जो है सबके पास किया कि 15 लाख रुपये सभी के खाते में जमा करें, परंतु इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए संत समाज और जनता बेहद दुखी है। धार्मिक नगरी रतनपुर में महानवमी के अवसर पर मां महामाया देवी का 7 किलो सोने के आभूषणों से राष्ट्रीय श्रृंगार किया गया। मां के इस रूप को देखने के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। महानवमी के अवसर पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम यहां आयोजित किए गए। धार्मिक नगरी रतनपुर में महानवमी के अवसर पर मां महामाया देवी का राष्ट्रीय श्रृंगार हुआ। राष्ट्रीय नैवेद्य कन्या ब्राह्मण भोज तथा भंडारा किया गया। इस दौरान मां को 7 किलो के स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। मां के श्रृंगार के समय सुबह 2 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहे। पट खुलने पर राष्ट्रीय श्रृंगार से सजी माँ की अद्भुत छटा देखते ही बनी। लगभग 7 किलो के स्वर्ण आभूषणों से सजी माँ की आकर्षक छवि देखते ही बन रही थी। वहीं विशाल चांदी के छत्र की छाया मां को शीतलता के साथ ही भव्यता प्रदान कर रही थी। हजारों की संख्या में भक्तों ने मां के भव्य और राष्ट्रीय श्रृंगार के रूप के दर्शन किए। मंदिर में कन्या भोज हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कन्याओं का पूजन किया और भक्तों ने भोग प्रसाद का वितरण किया एवं ज्योति कलश के विसर्जन के साथ नवरात्रि का समापन किया गया। इससे आस्था में मां महामाया का दरबार सजा रहा। बिना बिल के मोबाइल फोन का लेन देन करने वाले शातिर टैक्स चोरों को जीआरपी ने भोपाल स्टेशन से पकड़ा। इनके पास से 8 लाख कीमत के 85 फोन बरामद किए गए। जीआरपी ने भोपाल स्टेशन से बिना बिल के मोबाइल फोन का कारोबार करने वाले शातिर युवकों को धर दबोचा है। इनके पास से जीआरपी को 8 लाख रुपए के 85 फोन मिले हैं जिनमें से किसी भी मोबाइल का बिल नहीं मिला है। मामले की जांच करने में पता चला है कि टैक्स बचाने के चक्कर में फोन को चोरी छुपे इटारसी ले जा रहे थे। बदमाशों ने बताया कि मोबाइल फोन ले जाने पर उन्हें प्रति मोबाइल 200 से 300 रुपए दिए जाते हैं। उनका काम सिर्फ मोबाइल को पहुंचाना होता है। आगे की जांच के लिए मामला जीएसटी विभाग को सौंप दिया गया है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। कांटा गांव मावली मेला एक ऐसा मेला है जिसमें शिरकत करने के लिए देवी देवता पहुंचते हैं। इस मेले में 84 गांव के देवी देवता भाग ले रहे हैं।
ये मेला स्थानीय निवासियों की पारंपरिक आस्था और विश्वास को दर्शाता है। सदियों से श्यामपुर परगन में कोंटा गांव मेला आयोजित होता है। इस मेले में देवताओं की शोभा यात्रा देखना अपने आप में एक रोचक अनुभव करवाता है। मावली मेले में श्यामपुर परगन के समस्त 84 गांव की देवी देवताएं हिस्सा लेते हैं। मेले में सर्वप्रथम मावली माता मंदिर प्रांगण में ढोल नगाड़े और मोहरी बजा आदि पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ मंदिर प्रांगण में श्यामपुर परगन के 84 गांव से आने वाले देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। देवी देवताओं के आने पर रावत नृतक दल नृत्य करता है। उसके पश्चात प्रांगण में सभी देवी देवता मिलकर एक साथ मेला परिभ्रमण को निकलते हैं। इस दौरान आस्था और विश्वास का अलग अलग रूप दिखाई देता है। सिरहा गुनिया अपने आप को तरह तरह की यातनाएं देते हुए नजर आते हैं। कोई मुंह में शूल घोपता है तो कोई खुद को लोहे की जंजीर से मारकर देवताओं के करीब होने का भरोसा देता है। देवियां लोहे की कील से बनी कुर्सी में बैठकर मेले का फेरा लगाती हैं। इसके बाद सभी देवी देवताएं एक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन करती हैं, जिसे देवनाच कहते हैं। अंत में आने वाले सभी देवी देवताओं को कुछ पैसे व फूल भेंट स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, आज दिमाग खराब है मेरा, चाय वाय कुछ नहीं पिलाऊ। देखो, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। वो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने वो गाड़ी उड़ा दी, बताओ विधायक मर गए और 4-5 लोग और मर गए। और मैं बता रहा हूँ, इतनी मारामारी का शौक है काय को? अरे चुनाव लड़ो, अपने अधिकार लेना है तो यहाँ आओ, बढ़िया बंगलों में बैठो, इसी बंगलों में। लोगों को मारने से कोई अधिकार मिल जाते हैं? और दूसरी खबर ये देख लो, इधर पे टाइगर के पैर काट ले गए राधाबानी जंगल के वहाँ। और मैं बता रहा हूँ, देखो टाइगर नहीं बचेगा ना तो तुम भी नहीं बचोगे, जंगल नहीं बचेंगे, बता रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा होश में रहो। और छापे में देखो, ये जानवरों की खालें निकल रही है, कहीं हिरण की खाल, कहीं किसी की, और सर टंगे हुए हैं, कहीं हिरण के सामर की ट्रॉफियाँ टंगी हुई हैं। ये सब शौक रहा है जानवरों को मारने का, खुद की खोपियाँ टांगो, बता रही हूँ। ये धार के बाद भैया मांडू में देखो, एक बस गिर गई खाई में, वो तो अच्छा हुआ नीचे एक पेड़ था बड़ा, उस पर अटक गई, सबकी है जाने बच गई। बताओ, सबने संकल्प लिया है कि सब एक एक पेड़ लगाए। देखो पेड़ों की शक्ति, देखो पेड़ लगाया करो भैया। हाँ, इसीलिए कहता हूँ मैं, वही दबंग 3 की शूटिंग चल रही है वहाँ माहेश्वर में। और तो बता रहे, इनको परमिशन क्यों दे देती हो? बताओ, ये मूर्ति की हाथ तोड़ दिया, रास्ता बांध दिया उससे, वही सलमान खान उस पर खड़े हो रहे हैं, वो शिवलिंग के ऊपर तखत खड़ा कर दिया, वहाँ डांस वांस चल दिया है। और मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो मॉन्यूमेंट है अपने, वहाँ पे परमिशन दो ही मत। ये कितने कारीगरों ने कितनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, वही इनका क्या है, खराब कुरूप करके चले जाएंगे, ये तो चल दिया है। और भैया, ये पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेचारे चाय चौं बंद हुई है, बेचारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, इनके ये लाउड स्पीकर ले लेकर वहाँ वहाँ करते रहते, बता रहे हैं बहुत दिमाग खराब है आज मेरा। वही पर्चे वर्चे भर रहे हैं लोग, भैया राहुल गांधी ने पर्चे भर दिए अमेठी से, वही मोदी भी भरने वाले हैं 26 को, मैंने सुना है, ये कमलनाथ ने भर दिए, और मेरा भी भैया, मैं भी पर्चा भरने जा रहा हूँ, डॉक्टर के यार मेरा सर खराब हो गया है, तो पर्ची में डॉक्टर से भरवाऊंगा कुछ, हाँ गोलियाँ वगैरह लिखवाऊंगा, बता रहे हो, कसम भोपाल की खा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ।